एक बात स्टेप बाय स्टेप होता है, बात समझे कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप होता है, मतलब इस पॉइंट के द्वारा हम यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। अब हमको ये तो जान गए कि रिंगर का पॉइंट है, और यहाँ लिखा हुआ इस रिंगर का कोड क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हुआ है, रटना दिमाग में सेट करना जरूरी नहीं, अभी जो तरीका बता रहा है वो सिर्फ समझ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस रिंगर का कोड को हम कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, डबल क्लिक किया हरा लाइन आ गया, मतलब ये कॉपी हो गया, बात समझे कि नहीं समझे। अब चलेंगे स्केचमैटिक जंगल में, ये समुद्र है, और हमको यहाँ ढूंढना है रिंगर का सेक्शन, स्पीकर लाउड स्पीकर का सेक्शन, इधर से आवाज आ रहा है, बंद करता आवाज, इधर जो खोजना क्या करेंगे, लाउड स्पीकर का सेक्शन हमको खोजना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्केचमैटिक में आए और यहाँ सर्च मार दे रखा है, इस पे हम जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और क्या पेस्ट किया, उसका जो कोड है उसका कोड को हम क्या किए पेस्ट करके हम यहाँ पे सर्च करेंगे, क्या किए, ये तो सर्च कर रहे हैं, यहाँ दिख रही है, दिख रहा है क्या, यहाँ पे वो सर्च जो कि वो कोड यहाँ आ गया है, उस पर हम क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिए जो बता रहे हैं, और जैसे हम सर्च किए यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, और ये जो सेक्शन है किसका सेक्शन है, लाउड स्पीकर का सेक्शन है, क्या है, इसका ट्रेसिंग तक कैसे पहुंचे दिमाग में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हेलो आ रहा है, चलिए मतलब यहाँ तक आप पहुंच गए, कोई दिक्कत है इसमें क्या, कोई दिक्कत को हम परेशानी नहीं ना है, चलिए अब यहाँ पर हम ध्यान ये देंगे, ये जो ड्रेसिंग है वो कैसे कैसे काम कर रहा है, कौन सा सेक्शन में कहाँ पे क्या है नहीं है, कौन सीरीज है पैरल है, इसको पूरा आपको समझना है, इसको समझने के लिए अब आपको जानना ये होगा कि एक पॉइंट और एक एक पॉइंट दोनों जो पॉइंट है वो रिंगर का है, किसका है, रिंगर का पॉइंट है, और यहाँ से ये जो लाइन निकला है और इधर कहीं जा रहा है या कहीं से आ रहा है, ऐसा निशान है मतलब कहीं से आ रहा है, बस समझ गए, अब कहाँ से आ रहा है वो हम जानते नहीं, हम जब यहाँ आएंगे तब देखेंगे कहाँ से आ रहा है, अभी पहले हम इसको क्लियर देखते हैं जो सामने वो दिख रहा है, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, यह एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, दोनों अलग अलग पॉइंट है, यहाँ पे 1 2 3 लिखा उसको दिमाग में लिखिए, ठीक है, इसमें एक पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, समझे क्या, यह एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, और यहाँ से इतना निकला है, बस यहाँ से जो निकला है, यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है, उस सफर को तय करने के लिए हमको इस सारे बंदे से मिलते हुए जाना होगा, इसमें से कोई भी एक बंदा को मलेरिया फलेरिया हो जाएगा तो हमारा रिंगर काम करना, विवेक सर आवाज आ रहा है, किसी भी कॉन्फ्रेंस में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो हमारा रिंगर काम नहीं करेगा, बात समझे कि नहीं। अब ये सारे कॉन्फ्रेंस को टेस्ट करने के लिए कि सही है या खराब है वो हम आप लोगों को बता चुके हैं, कब बताएं, जब मल्टीमीटर का क्लास चल रहा है उसमें बताएं, कैपेसिटर खराब होगा तो क्या बताएगा, रेसिस्टेंस खराब होगा तो क्या बताएगा, सही होगा तो क्या बताएगा, किसको कैसे टेस्ट करना है ये बताएं। दूसरा ये भी मैं आपको बताएं कि सीरीज और पैरेलल कौन कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट है, कौन सा कंपोनेंट पैरेलल में कनेक्ट है, ये भी हम आपको बता के रखें, पहले वो चेक करेंगे कि आप लोग का दिमाग में है या नहीं, समझे कि नहीं। अब जैसे कि यहां से निकलना शुरू जैसे किए, निकले यहां पे एक पॉइंट बना हुआ है और पॉइंट बना यहां पर एक कंपोनेंट कनेक्ट है, और वो कौन कंपोनेंट है, कैपेसिटर है, कौन सा कनेक्शन में कनेक्ट है, कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट है, ये कैपेसिटर को यदि हम फुल टेस्टिंग करेंगे मल्टीमीटर को बीप रेंज में जब सेट करके और इस कैपेसिटर पे डायरेक्ट हम दोनों पॉइंटों को टच करेंगे, एक यहां पे और एक यहां पे, तो ये कैपेसिटर क्या रिजल्ट देगा, रीडिंग काय करेगा, एक प्लस और एक, इधर का जो एरिया है वो कनेक्ट कहां से, मतलब इसको जी एंड डी बोलेंगे मतलब माइनस बोलेंगे, और इधर के एरिया मेन लाइन से कनेक्ट मतलब प्लस से कनेक्ट है, हाँ
वो रॉबी मूवी का दिखता है। ठीक है रखिए। देखिए ये जो कनेक्ट है कौन सा कनेक्शन में पैरेलल में कनेक्ट है, और यदि इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे तो अभी नहीं करें तो ये कौन सा दो लाइन से करेंगे प्लस और माइनस। और हम आप लोग को ये भी बता के रखें कि जब भी मल्टीमीटर को प्लस टू माइनस टच करते हैं तो वो रीडिंग कर जाएगा, मतलब माइनस यहां समझ लो ये माइनस है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रीडिंग करेगा, यहां पे क्या कर रहा है उसके बाद इसको चेक कर ली, यदि ये रीडिंग किया तो ये कंपोनेंट्स क्या है सही, यहां पे कोई बीमारी वगैरह। अब यहां से आगे निकले और मिल गया, ये क्या मिल गया, ये क्या है जी रेजिस्टेंस, हम कैसे बोल दिए कॉल एंगल से रेजिस्टेंस बोले, हां ये कॉइल है, ये कंपोनेंट्स को जब आप चेक करोगे तो इस कंपोनेंट्स में यदि आप हम डायरेक्ट मल्टीमीटर को बीप मोड में चेक करते दोनों पॉइंट पे टच करेगा तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, बीप काय करेगा जब इस सीरीज वाले कंपोनेंट को चेक कर दिया तो बीप साउंड करता है, क्या करता है बीप साउंड। अब यहां पर एक क्वेश्चन आप लोग के निकल रहा होगा कि इसको मदरबोर्ड में हैक आउट खोजेंगे कैसे, इसको मदरबोर्ड में हैक आउट खोजेंगे कैसे, जब तक मदरबोर्ड में खोजेंगे नहीं तो चेक कैसे करेंगे, यहां थोड़ा चेक होगा, यहां सबको सिर्फ पता चलता है कौन कनेक्शन में है नहीं है और कितने वैल्यू का है नहीं है, समझ रहे कि नहीं। अब हम चलते हैं ये सब कंपोनेंट्स को आप चेक कैसे करोगे, ये कंपोनेंट्स मदरबोर्ड में लगा हुआ है क्या, मदरबोर्ड में लगा हुआ है क्या, उसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस कंपोनेंट्स का जो कोड है इसका कोड होगा ये C5054, C मतलब हो गया कैपेसिटर, 5054 उसका नाम क्या है, उसका नाम है, ठीक है, इसका कोड है, इस कोड को हम कॉपी करें, इस कोड को हम क्या किए कॉपी किए, कॉपी करने के बाद लेआउट में जाके सर्च करेंगे, कहां करेंगे और यहां सर्च किए और इस पे क्लिक किए, जैसे सर्च किए यहां पे आपको दिख रहा है हरा कलर का दिख रहा है हल्का सिलेक्ट कर लिया, मतलब वो जो कंपोनेंट कैपेसिटर है वो मेरा फोन में यहां लगा हुआ है, कहां लगा हुआ है बात समझे कि नहीं, और ये कंपोनेंट कहां लगा हुआ है रिंगर का पॉइंट के जस्ट बगल, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, रिंगर का पॉइंट के जस्ट बगल में लगा हुआ है, ये जो कंपोनेंट जो लगा हुआ है वो मेरा कौन सा कनेक्शन में है, ये कंपोनेंट को यदि चेक करेगा तो क्या बताएगा, रीडिंग करेगा, क्या करेगा रीडिंग करेगा, ये जो कंपोनेंट है इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो हम आपको यहां चेक करा था, यहां से देखिए क्या दिख रहा है, दिख रहा है कहीं दिख रहा है दिखता ना सर, दिख रहा है ये जो कंपोनेंट है कौन कनेक्शन में है, अभी हम चेक करेंगे तो क्या करेगा रीडिंग करेगा, क्या करेगा आप लोग कोई भी अगर मल्टीमीटर निकालिए एग्जाम चेक हो फटाफट तुरंत तुरंत हमको बता दीजिए, फिर हम आपको ये जब आप लोग कल जल्दी आएंगे तो ये सब चेक करने के लिए रहेंगे, जिसका कोई उधर का प्रॉब्लम नहीं होगा उन लोग ये सब काम करेंगे, ठीक है, निकालना है सब पहले आ सकते हैं, हाँ 10 बजे हम आ सकते हैं, आ सकते हैं सुबह वाला ही गाड़ी, सुबह वाला ही गाड़ी आएगा, लेकिन आप बैठ रहे बड़ा गड़बड़ है, ठीक है हो जाएगा सर, उसको जल्दी सर उसको जल्दी मत सुनना क्या होता है जल्दी आके सर भीड़ आता है हिंदी में उसको पता पकड़ वो अच्छा बकवासा में बोल रहा साहब बेवकूफ बोल रहे थे क्या जी बोले हिंदी बहुत तो हिंदी सीखनी है
इसी को चेक कर रहे हैं, किसी और पर है ना। सर अब देखिए इधर चेक हो गया, इधर देखिए। अब फिर से हमारे आते और जब यहाँ पे आए इसको चेक कर लिए, इसमें कोई बीमारी आपको नजर नहीं आया, नहीं ना। अब चलते इससे आगे, ये कंपोनेंट्स कहाँ लगा हुआ है? ये कंपोनेंट्स कहाँ लगा हुआ है? फिर यहाँ क्या देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे कॉपी कर रहे हैं और हम जाते हैं इसको क्लिक कर रहे हैं, तब सर्च बार में क्लिक करते हैं, समझे कि नहीं? और यहाँ पे कैसे कुछ करके रखे, और ये कहाँ पे है? जस्ट पड़ोसी। ये भी चेक करेगा तो क्या बताएगा? बस वही रीडिंग करेगा, रीड करेगा, रीड करेगा, रीड करेगा, रीड करेगा, क्या करेगा? रीड क्यों करेगा? सीरीज करेगा, सीरीज करेगा। सर और ये कंपोनेंट्स कौन सा है? क्वाइल है। क्वाइल क्या करता है? रीड करता है। तुरंत चेक की बड़ा से चेक की दीजिए, लेट नहीं होना चाहिए। हाँ सुई लगा के लाइए, छोटे छोटे चलिए, हो गया। चलिए चेक किए, देखिए इस बंदा को चेक हो गया, ये बीप क्यों क्या सीरीज में था, बात समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कॉपी कहाँ कर रहे हैं, पेस्ट क्यों कर कहाँ कर रहे हैं, वही सिर्फ समझना है। उसी में थोड़ा कंफ्यूजन आपको होगा, हो सकता है आज के पास थोड़ा बड़ा कुछ डाउट लगे, लेकिन ये दो तीन दिन के अंदर ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? समझे कि नहीं? पहला सीरीज थोड़ा सा कष्टदायक होता है, उसके बाद धीरे धीरे आसान हो जाता है। देखिए अब हम लोग चलते हैं आगे, आगे जब इसी देखिए, अभी हम जो चेक कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन को चेक कर रहे हैं, इसको हम चेक नहीं कर रहे। अब हम यहाँ तक हमारा सही है, आगे जब जाता है तो एक और बंदा मिलता है, ये बंदा का नाम क्या है? मल्टीमीटर को बीप को रेंज में रख करके डायरेक्ट इसका दोनों पोर्ट को टच करेंगे, रिजल्ट क्या देगा? एडिट करेगा, मतलब पहले से दोनों में ये सेट होना सिंपल सा चीज है। पेशेंट हमारे पास आता है, कोई भी लक्षण पेशेंट बताता है और डॉक्टर को समझ में आने लगता है कि कौन बीमारी होगा उसका लक्षण से, बस वही चीज है। मल्टीमीटर का नॉलेज हमारा दिमाग में सेट रहेगा तो यहाँ पे हम जाएंगे, जाने से पहले हमको फ्यूचर ये पता चल जाएगा कि इसमें बीमारी होगा तो क्या बता सकता है और ये सही होगा तो क्या। ये दिमाग में आपका सेट होगा तभी आप काम को कर पाएंगे। कोई भी आप मिस्त्री को, मैकेनिक को, कोई भी इंजीनियर को देखते होंगे, देखते दंत तक हमारे गिराया करके चेक कर लगा कि नहीं रखा हुआ, उसका दिमाग में पहले ऑलरेडी सेट है कि इस जगह पे हमें क्या रिजल्ट देने वाला है, इस जगह पे हमको क्या बताने वाला है, इसीलिए वो चेक करना शुरू कर देता है। वही चीज हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझे कि नहीं? वही मटेरियल्स को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी चेक करें। जैसे कि यहाँ पे आप जैसे इसको देखें आपको इतना पता चल गया ये पैरल कनेक्शन में है, आपको ये भी पता चल गया कि जब चेक करेंगे इसको तो हीटिंग करेगा, पता चला कि नहीं चला? ये कैसे पता चला? जब मल्टीमीटर का क्लास किए थे इसलिए पता चला। अब हम इस बंदे को इस बंदे के पास जाएंगे तो कैसे जाएंगे? इस बोर्ड को हम कॉपी किए और कहां पे टच करेंगे? लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और पेस्ट किए तो ये हमको मिल गया जस्ट उसके बगल, ठीक है? सब अगले बगले मिल रहा है, मतलब यहाँ वहां मन में देखना। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आपको दिमाग में सेट होगा, जो प्रॉब्लम रहेगा सॉल्यूशन उसी के अगल बगल, आपको समझे? यदि हमारा फोन में इस फोन में हेडफोन जैक का प्रॉब्लम है तो हेडफोन जैक हमको यहाँ दिख रहा है तो हम इधर उधर नहीं खोजेंगे इसका सोल्यूशन, हमका सोल्यूशन किसके पास मिलेगा? उसी के अगल बगल मिलेगा। अभी हम रिंगर पढ़ रहे हैं, इसका सोल्यूशन कहाँ मिल रहा है? रिंगर सेक्शन के अगल बगल ही मिल रहा है। तो सारे चीज के कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि अब बहुत लोगों का दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, क्या क्वेश्चन होगा वो बता रहे हैं, वो भी क्वेश्चन का समाप्त हो जाएगा कि सर आप जो स्केचमेटिक डायग्राम से बहुत बहादुरी से पढ़ा दे रहे हैं लेकिन जिसका स्केचमेटिक नहीं डायग्राम है उसका कैसे बनाएंगे?
स्केचमेटिक डायग्राम है उसको पता दे रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा से देख रहे हैं, हम समझ जा रहे हैं, लेकिन जिसका स्केचमेटिक डायग्राम नहीं है उसको कैसे परफेक्टिंग करेंगे? तो उसका भी कॉन्सेप्ट तरीका है, उसके लिए अभी आप टेंशन नहीं लेना, समझे कि नहीं? उसके बारे में बताएंगे जिसका स्केचमेटिक डायग्राम नहीं है उसको कैसे ड्रेसिंग करें। पहले जो आसान चीज है उस चीजों को पहले समझना जरूरी है, पहले आसान चीजों को ही नहीं समझ लेंगे और टफ में चले जाएंगे, पॉसिबल है क्या? नहीं है, समझे? तो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं कि जब स्केचमेटिक डायग्राम पर क्लास देते हैं तो कुछ कुछ स्टूडेंट के अंदर ये कंफ्यूजन होता है कि यदि हमारे पास ये नहीं हो तब हमारा क्या हाल है, उसका भी समाधान है। जब ये आप समझ जाएंगे फिर आप उसको भी बताना शुरू कर दो। पहले अभी आप लोग को उधर दिमाग नहीं लगाना, अभी इस चीज को पहले अच्छे से समझना। इस बंदे के पास हम आए तो ये इसको चेक करो अब क्या बताएगा, अब यहाँ से जब आगे आते हैं तो यहाँ पर एक और कंपोनेंट लगा है, मतलब कैपेसिटर लगा है। कौन कनेक्शन में है? चेक करेंगे तो क्या बताएगा? रीडिंग करेगा। अब इसको हम वही करेंगे, डबल क्लिक, लेआउट में गए और यहाँ पर इसको पेस्ट किए और ये रहा हमारे सामने। चेक कीजिए इसको क्या बता रहा है। चलिए बैठिए, अब यहाँ पे एक चीज और समझना, ये फोन जिसके पास नहीं पहुंचना पहुंचा हड़बड़ा नहीं है, आपको फोन मिलेगा और आपको वहाँ बैठ के लैपटॉप में स्केच मैटर खोल के बारी बारी सभी को चेक कर, समझे कि नहीं? मतलब सीखना है चलाना है सभी को है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जब यहाँ तक आ गए चलो ठीक है, यहाँ तक चेक कर लिया, जैसे हम इधर आगे गए और यहाँ के यहाँ क्या लगा हुआ है, लेकिन इसके नीचे कुछ लिखा है, क्या लिखा है? ओपन। ओपन के मतलब ये होता है कि जो डायग्राम बनाया है वो आपको बता दिया ये पार्ट्स आपको फोन में नहीं हम लगाए, ये कंपोनेंट्स को आप खोजोगे फोन में तो नहीं मिलेगा, इसके जगह में जगह खाली है। ओपन जहां लिखा रहेगा वहां पे क्या समझना है, ये पार्ट्स हमको फोन में नहीं मिलेगा, बात समझ रहे? अब देखिए ये जगह कहां है और कहां खाली है वहां भी लेंगे। इसमें हम डबल क्लिक किए, लेआउट में गए और लेआउट में जाने के बाद इसको सर्च करना, जैसे सर्च किए देखिए यहां पे सिलेक्ट किया दिख रहा है R5031। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये आप फोन में देखो नहीं हो पाते, देखिए इसके जस्ट पड़ोसी, इसके जस्ट इधर देखेंगे इसके जस्ट बगल हाँ लगा हुआ गैप है ना, वहां गोल्डन चमक रहा हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो डायग्राम है ना, ये जो लेआउट है ना, जहां जहां आपको हरा हरा कलर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? वहां पे पार्ट्स नहीं लगा हुआ, क्या है? ये आपको दिमाग में सेट कर देना, क्या कर देना है? जहां जहां पर आपको ये कलर या ये कलर जहां जहां दिख रहा है वहां वहां पर कुछ भी लगा हुआ नहीं है। जहाँ जहाँ व्हाइट है, रेड है, वो सब लगा हुआ, जहाँ जहाँ येलो और हरा का कलर मतलब ये कलर नहीं है, जहाँ जहाँ मिलेगा वो कंपोनेंट्स लगा हुआ नहीं, समझ में आया कि नहीं? ये पार्ट्स आप खोजेंगे तो आपको पॉइंट वहाँ खाली मिलेगा, वहाँ गोल्डन कलर का सिर्फ पॉइंट दिखेगा लेकिन पार्ट्स वहाँ नहीं रहे, ठीक है? समझे कि नहीं? मतलब ये कंपनी नहीं भी लगा रहा तब भी मेरा फोन चलता है, इसलिए इसको नहीं लगाए, ज्यादा जरूरी नहीं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो सफर है वो हम यहाँ से यहाँ तक लेके चलेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लेकर के आए के लिए, हर बंदा से मिलाते हुए कैसे मिलाए वो आपको समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं? हम कैसे यहाँ से ले आउट में गए, कैसे आपको मदरबोर्ड में दिखाए, वो कॉन्सेप्ट को समझे पहले। अब देखिए आप लोगों का जो काम रहेगा वो रहेगा ये पूरे लाइन को चेक करने का, आप सबका होमवर्क क्या है? तो बताते हो सब सोल्यूशन रहे पे सुनेगा तो मैं। अब क्या करना है, आपका जो क्लास हम देते हैं वो देते हैं 12 से 1 बजे, आज 12 बजे से 1 बजे तक देंगे, ठीक है? आप हमारे पास आते हो 10 बजे, कितना बजे आते हो? 10 बजे आते हो, ठीक है? 10 बजे आते हो, वहां पे लैपटॉप रखा हुआ रहे, एक बार में एक लैपटॉप में 3 स्टूडेंट को बैठना है और 5-10 मिनट 20 मिनट काम करना है। इसका काम जो है वो मात्र 5 मिनट का काम है। कितना का काम है? आपके पास ये भी रहेगा, आपके पास फोन भी रहेगा, क्या रहेगा? आपके पास मल्टीमीटर रहेगा, सब जांच करते हुए जाना, जिसमें कंफ्यूजन रहेगा क्लास में आके पूछ लेना है। बात को समझे के समझे? हम ये कैसे बताएं वो समझ में आया कि नहीं आया? ये काम आपसे यदि हम 3-4 बार करा देंगे, पांचवा बार आप पूछिएगा ही नहीं हमसे, वो सब आपको समझ में आता है। 3-4 बार आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ नहीं, पूरा आसान है, क्या पूरा आसान है, समझे कि नहीं? सिर्फ आपको यहाँ वहां जाने का थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट शिफ्ट कर लीजिए, अच्छा ऐसे ऐसे करना है, आपको सब समझ में आता है, समझे कि नहीं? मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक हम आपको बताए। अब हम चलते हैं कुछ चीजों के बारे में। देखो अब हम चलते हैं हार्डवेयर, हम अभी यहाँ से यहाँ तक समझे, अब यहाँ से यहाँ तक का हार्डवेयर क्लियर। देखिए अभी जो है वो हम आपको इसका ट्रेसिंग चेक करके दिखा रहे थे, इसीलिए यहाँ से आगे बढ़े तो ये बंदा मिला, यहाँ से आगे बढ़े तो ये मिला, यहाँ से आगे बढ़े तो ये मिला, यहाँ से आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पार्ट्स लगा हुआ है, वही पार्ट्स वहाँ ओपन लिखा, बुझाया कि नहीं बुझाया? समझे बात को? अब यहाँ पर देखिए इस कंपोनेंट्स में यहाँ पे जंपर क्यों नहीं मारा, जंपर यहाँ क्यों मारा है, ये क्वेश्चन है, क्या है? क्योंकि ये यदि हम इस कंपोनेंट्स को कूल टेस्टिंग करेंगे, बजर बोर्ड में मल्टीमीटर को सेट करके चेक करेंगे और रेड वायर को ग्राउंड में रखेंगे, ब्लैक वायर को यहाँ टच करेंगे, तो क्या बताएगा? रुकिए देखिए अब यहाँ पर देखिए ये मेरा मल्टीमीटर है, क्या इसका रेड वायर को हम रख दिए ग्राउंड में, क्या रख दिए? और इसका ब्लैक वायर को यहाँ टच कर दिए, अभी मल्टीमीटर में क्या रिजल्ट देगा? क्यों बीप करेगा? और इसको टच यहाँ ना करके यहाँ कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जब भी कभी कोई कनेक्शन का जम्परिंग होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, कहाँ पे होता है? पॉजिटिव, इसीलिए इसका जम्परिंग यहाँ पे होता है। हाँ बोलिए। बैंक मोड करौदा रोड आकर के फोन कीजिए, बैंक मोड करौदा रोड पे करौदा हेलो हेलो हाँ बोलिए हाँ मॉर्निंग क्लास में बोलेंगे आप हमको 1-1.5 बजे के बीच कॉल कीजिए अभी क्लास यहाँ पर देखिए जब भी कोई कनेक्शन जंपरिंग होता है तो पॉजिटिव लाइन में होता है यदि यहाँ से यहाँ जब हम कर देंगे तो ये सब जगह माइनस और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये पूरा लाइन खराब हो जाएगा फिर काम नहीं करेगा क्या करेगा काम नहीं करेगा बोलिए सर केरला में जो लाइन रहता है उसको जंपर नहीं
जो लाल में जो कंपोनेंट रहता है वो जमा नहीं है। देखिए ये जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है ये फिल्टर के लिए लगा हुआ है। किसके लिए लगा हुआ है? फिल्टर के लिए लगा हुआ। जब हम यहाँ पे आए जो पैरल का कंपोनेंट होता है ये फिल्टर के लिए लगा हुआ था। किसके लिए लगा हुआ था? फिल्टर के लिए। यदि इस कंपोनेंट फिल्टर मतलब होता है इसमें लाइन जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है, इसको कम, यदि इसको कम चाहिए तो ये कम करता है, यदि इसको ज्यादा चाहिए तो यहाँ पे ग्राउंड से वोल्टेज लेकर बढ़ाता है। बात समझ रहे हैं कि जो पैरेलल कनेक्शन में जो भी कंपोनेंट होता है कुछ ऐसी जगह होता है वहां पे हम लोग इसको जो ग्राउंड से जम्पर होता है वो नहीं ले सकते, पॉजिटिव पे जम्पर ले सकते। बात समझे कि नहीं? तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे जम्पर इसीलिए ये करके दिखाया कि यहाँ सब यहाँ जम्पर कर सकते हो, इसमें नॉर्मल वोल्टेज का काम, नॉर्मल फिल्टर का काम करता है। बात सुन ले, तो जम्पर यदि मारना हो तो हमेशा पॉजिटिव पे मारना। अब यहाँ पर देखिए, उससे जब आगे वाला कंपोनेंट में जाते हैं इसका दोनों पॉइंट में जम्पर मारा हुआ है। हाँ मारा हुआ है, तो दोनों पॉइंट में कहे मारा हुआ, क्योंकि ये जो है एक ही लाइन से कनेक्ट है, इसमें कनेक्ट है, इसीलिए इसमें जब जम्पर आपको करना है तो आप यहाँ से जो जम्पर कर रहे हो तो आप यहाँ जम्पर कर सकते हो, कर सकते हो। यदि ये कंपोनेंट आपका निकल गया, टूट गया, जल गया तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। या फिर आप यहाँ से यहाँ जम्पर कर सकते हो, क्या किया इसको बाईपास कर दिए, क्या कर दिए, ये कंपोनेंट नहीं भी लगाएंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, बाईपास कर। फिर यहाँ पे आता है ये इधर जो है वो कहाँ कनेक्ट है, इसीलिए इसका जम्पर यहाँ पे। फिर यहाँ पे आता है ये कहाँ से कनेक्ट है, इसीलिए इसका जम्पर। जब भी आपको जम्पर करना हमेशा पॉजिटिव एंड करना, नेगेटिव एंड आप करोगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वो आपका काम बनेगा नहीं और खराब। अभी हम आपको यहाँ से यहाँ तक चीजों को समझाएं, बात को समझे, यहाँ से यहाँ तक चीजों को हम क्लियर करके समझाएं और यहाँ से यहाँ तक पूरा स्केचमेटिक डायग्राम को एक ही लाइन करके समझाएं, ठीक है। ये जो काम है ये आपको कल करना है अपने से, बात को समझे कि नहीं समझे, ये काम आपको खुद करना है। यहाँ से आगे जो कनेक्शन किया वो हम आपको कल बताएंगे, हम बताएंगे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कि अभी हम इधर बताएंगे तो हो सकता है इधर का चीज मन से डाउट हो जाए, इसलिए अभी हम इतना दूर तक आपको क्लियर करेंगे। ये हम आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रेसिंग का प्रोसेस को समझा रहे हैं, दो से तीन दिन समझाएंगे तो ये हमको इतना नहीं समझाना पड़ेगा, ये क्लास बहुत फास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले, लेकिन आपको सीखना ही स्केचमेटिक डायग्राम बहुत चलाने का, बात को समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पर एक चीज और होता है उसको तुरंत दो मिनट में उसको क्लियर करते हैं। ये हमारा हो गया हार्डवेयर और ये हमारा हो गया स्कीमेटिक डायग्राम, ये हो गया मेरा लेआउट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और बचता है, इसको बोलते हैं बीट मैप। क्या बोलते हैं? बीट मैप। तो बीट मैप पे कैसे क्या काम करना है नहीं करना है वो चीज कैसे काम समय करवाएंगे कल बताएंगे। अभी आप तो जाइए जिसका जंपरिंग का क्लास हो जंपरिंग कैसे, ठीक है, जिसको लगता है डायग्राम चलाना है कुछ दो चार जन ज्यादा जन नहीं समझ लिया, लैपटॉप का स्क्रीन छोटा कर दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो दो चार जन जा करके लैपटॉप में स्केचमेटिक डायग्राम करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जितना छेड़छाड़ करेंगे उतना ही सीखेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे सीख नहीं पाएंगे, बात समझे। तो छेड़छाड़ करना जरूरी है, ठीक है, और जिसको जिसको काम करना है उन लोग अपना लैप पे बैठ के काम शुरू कीजिए, सब प्रोसेस बता, ठीक है, सारा चीज। हाँ बोलिए। अच्छा, किसी भी फोन का नेट नहीं खुला तो नहीं खुला, अटक गया, कैसे अटक गया, वो जल गया था। आप लोग कहिए जी हेलो, मोबाइल मोबाइल गिरा देगा, मोबाइल।